ये केस है, एक मेल आदमी है, उसको बोन टीबी था, इसका एलोपैथिक इलाज चलता था 12-15 साल से था, जिसमें कमर का दर्द बहुत ज्यादा रहता था और माइल्ड फीवर रहता था। फीवर ठीक हो गया, फिर होने लगा, 99-100 बुखार रहता था, भूख कम लगता था, नींद कम आता था, दर्द इतना होता था कि चल नहीं पाता था। इसको 20 साल पहले एक ऑपरेशन भी हुआ था हर्निया का, वो ठीक हो गया। अभी 2 साल से उस जगह पर फिर एक ट्यूमर निकल आया है, एक केस है मेरा, इस ट्यूमर नजर आ रहा है। अब डॉक्टर उसमें बायोप्सी करने के लिए उसको कहा है, तो वो डर से नहीं करा रहा है, का 3 बच्चा है, और दर्द इतना होता है कि मरीज रोने लगता है, एलोपैथी पेन किलर खाता है काफी दिनों से। हमने केस टेकिंग करने के बाद इसको इग्नेशिया दिया 0/1। 15 दिन बाद आया जबरदस्त रिजल्ट, 70% दर्द खत्म हो गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं भी इसका चेहरा देखकर दंग रह गया कि इंसान दर्द ऐसा अच्छा होता है कि वो लग रहा है कि 15 दिन के बाद वो इंसान नहीं, वही वह आदमी है ही नहीं है। लगन के दर्द चल रहा था, बोन टीबी, ट्रीटमेंट एक दफा हुआ ठीक हुआ, फिर अगेन टीबी आ गया, फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा। अब बोला है कि आप और हिफाजत चलिए, तो हड्डी का भी वो बोला बायोप्सी उप्सी करना होगा उसमें भी, तो हमारे पास भैया दे देना 15 दिन के बाद। वंडरफुल, पहले हमने कहा उसको 2-3 खुराक आधा घंटा पर लेने के, फिर 1 घंटा पर लेने के लिए, फिर 2 घंटा पर लेने के लिए, हमको फोन कीजिए दवा लेने के 2 घंटा बाद। फोन करके बोलता है कि बहुत आराम मिला है डॉक्टर साहब, हम बोला पेन किलर जो है, बोले पेन किलर से भी ज्यादा आराम, एकदम जादू की तरह। आज हम डॉक्टर साहब बहुत दिन बाद, सालों साल बाद हम बहुत अच्छा से सोए हैं। दैट इज इग्नेशिया, उसका चेहरा देख के हम दर्द हो गए। लेकिन वो आदमी जितना भी तकलीफ होता था, लेकिन इधर बात करता था मुस्कुराकर, उन्हें तकलीफ सब पता था, लेकिन बात करता था हमेशा मुस्कुरा के, स्माइलिंग फेस रहता था उसका हमेशा। तो एक गाना भी है, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। चलिए, माय एनालाइज कमेंट्स एंड की नोट फीचर्स इन बोगर, ओनली वन सिम्टम अनहैप्पी लव। एक इग्नेशिया का लव, ओरिजिनल इग्नेशिया एंड डायटेटिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बोगर में देखिएगा 13 लाइन पर है, 13 लाइन पर लिखा हुआ बोल्ड बिग अनहैप्पी लव। डॉक्टर साहब, तो हमने उसको अकेला में केस टेकिंग किया, तो डॉक्टर साहब जब 18-19 बरस का था, तो हम एक लड़की से मोहब्बत करते थे बहुत बहुत ज्यादा। पेशेंट ने कहा बहुत मोहब्बत, इसको बहुत चाहता था, इसको बगैर देखे वो रह नहीं सकता था, रास्ता जाना पर देखना, जाना आना स्कूल, अगर नहीं देखा तो ना नहीं, उस दिन उसको भूख उख खाना पीना भूख उख सब कम हो जाता था। अगर एक दिन नहीं देखा उसको, तो एक दिन अगर नहीं देखता था तो पागल हो जाता था। पेशेंट सेड, गौर से सुनिएगा, इसको बहुत चाहे, इसको बगैर देखे रह नहीं सकता था। एक दफा
सात आठ दिन वो घर से नहीं निकली तो घबरा गया और पागल की तरह करने लगा, हरकत पता चलाने लगा, अगल बगल से ही करने लगा, तो मालूम हुआ कि उसको तबीयत खराब, बुखार है। तब वो उदास हो के डॉक्टर खाना से निकल लेती, बगल में उसका कहना है डॉक्टर खाना है, कर लिया ये यहाँ खड़ा होके उसको देख रहा है, आज देख रहा है वो आ रही है, कहता एकदम दुबली पतली हो गई है, उदास चेहरा, वो बोल रहा है कि उसको देख रहा है, मेरे आंख से आंसू गिरा टप टप, अब रोने लगे देख के उसका और चेहरा देख के, इतना कमजोर तकलीफ में। डेट इज सिग्नेशिया, बहुत गौर से सुनिएगा। फिर उसके बाद हम तो प्रे करने लगा, आने लगा कि इसको जल्दी से जल्दी अल्लाह भगवान अच्छा कर दीजिए। उस दौरान जो सात आठ दिन नहीं देखा था, तरह तरह का ख्याल उठा था, आ रहा था मेरे दिल में कि बस ये मर गए, क्या हो गया, क्या हो गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देखने के बाद जब देखा तो उसका टप टप आंसू गिरने लगा, प्रे करने लगा कि वो अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए जल्द से जल्द। उसका छह सात दिन के अंदर भूख ऊख सब मर गया। ऐसा लग गया कि भूख ऊख सब मर गया, और जब देख लिया उन्हें लगा, प्रे करने लगा, तब कुछ खाने लगा।